हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एक्सेल में आज खास है डेज 360 का फॉर्मूला। तो यहां पर डेज 360 किस तरीके से काम करता है और इसका क्या फंक्शन है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है ये डिफरेंस कैलकुलेट करता है दो डेट्स के बीच की, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक स्टार्टिंग डेट लिखी है, एक एंडिंग डेट लिखी है। आपको पता है कि फरवरी का महीना चार साल में एक बार ऐसा आता है, लीप ईयर, जब फरवरी का महीना होता है 29 दिन का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी 30 दिन वाले महीने होते हैं उन्हीं को ये काउंट करता है, 31 दिन वाले को काउंट नहीं करता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जब भी ये काउंट करेगा तो 30 दिन वाले को काउंट करेगा, 31 दिन वाले को काउंट नहीं करेगा। तो यहां पर इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं और फॉर्मूला लगा लेते हैं यहां पर डेज 360। तो देखिए डेज 360 हो गया और यहां पर कह रहा है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हमारा ये है, फिर कॉमा देना है, एंड डेट डालना है, तो ये एंड डेट हो गया। अब अगर मैं इसको बंद करके एंटर करता हूं तो यहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 30 दिनों का है। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसमें और यहां पर जो है 1/5 से 31/5 कर देते हैं, तो 31/5 यहां पे डेट चेंज करूंगा, यहां पे 5 कर देता हूं, 1/5 से 31/5 हो गया। तो अभी आप देखेंगे अभी भी ये 30 ही दिन का ये बता रहा है, देख सकते हैं। यानी जब भी ये बताएगा तो ये 31 दिन का महीना नहीं बताएगा, ये 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करता है, डेज 360 इसीलिए इसका नाम है, ठीक है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।